चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेकोर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा, तीन कक्षाओं में छात्रों की संख्या 2, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र बढ़ा दिए जाएं, तो अनुपात 8, 11 और 14 हो जाता है। शुरुआत में तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? यानी कि अगर मैं इसको एक्स वाई ना मान के डायरेक्ट ऑप्शन की मदद से करूँ तो मुझे जल्दी आंसर मिलेगा सॉल्व करने से, क्योंकि जब भी कितना बड़ा क्वेश्चन आता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ तो क्लू देता है। अब इसने कहा है कि जो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो टोटल नंबर दे रखा है इसमें ऑप्शन ए बी सी में, ये क्या दे रखा है? उन छात्रों का जो शुरुआत में थे उनका सम दे रखा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इनको ऐड करूँ 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो वो जो नंबर होना चाहिए वो 9 के मल्टीपल पर होना चाहिए। तो 9 एकम 9, 7 बचेगा 9, 8 72 जा सकता है, 9 एकम 9, 2 18, 9 ये नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, 9 6 54 नहीं हो सकता है, यानी कि 3 देगा। एग्जामिनर भी आजकल बड़ा तेज हो गया, बट कोई नहीं, हम भी थोड़े से तेज बन जाते हैं। उसने क्या किया, उसमें ना हर किसी में 12 12 जोड़ा, तो उसका रेशियो ये बन गया। इसका मतलब है 12 को 3 बार जोड़ेगा, नहीं 12 थी 36, 36 आप इसमें जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आपका ये हो जाएगा आपका 8, ये 9 और ये आपका 1, इसमें आपका जोड़ दी 36, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 6 14, तो ये कितना 3 4 और 1 हो जाएगा आपका। इसमें आप जोड़ेंगे 36, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, 5 और 3 8 1 9 हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये भी उसकी रेशियो से डिविजिबल होना चाहिए, तो कितना 14 और 11, कितना 25, 25 और 5 30 और 3 33, ये 33 आया। 33 का मतलब 3 × 11 का फैक्टर, यानी कि हर नंबर मेरा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ये तो मेरे को दिख रहा होगा ही नहीं, 11 × 11 ये मेरा होगा नहीं, 11 × 11 11 88, यानी कि ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व ही करना है तो देखिए, तीनों रेशियो लेने की कोई जरूरत नहीं, आप दो रेशियो से भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मान लेते हैं कि भाई शुरू में 2x पहली कक्षा में स्टूडेंट थे, दूसरी में कितने थे आपके, आपके अपोन में कर देंगे हम आपका, आपका 3x। अगर उसमें 12 स्टूडेंट बढ़े पहले वाली में और 12 स्टूडेंट बढ़े दूसरी वाली में, तो रेशियो कितना हो गया पहले और दूसरी का, 8/11 आपका 11 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 22x हो जाएगा, प्लस का ये कितना होगा 12 11 132 इज टू में 8 3 24x हो जाएगा और 12 8 96 हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो ये 96 यानी माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बराबर में आपका 6, तो ये कितना होगा आपका 9 और 3 12 36, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 18, यानी कि x की वैल्यू 18 आ गई। तो मुझे क्या निकालना है, शुरुआत में निकालना है, तो शुरुआत में कितने थे मेरे पास में आपका 2x, 2 × 18 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में आपका 36, और 3 × आपका 18 करूंगा 54, और 4 × में अगर 18 करूंगा तो 72, इसको आप जोड़ दीजिए तो 6 4 10 2 12 12, और ये कितना 5 और 3 8 और 8 8 16, यानी कि 162, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।